மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். தேங்க் யூ. ஸ்ரீ கௌஷலேந்திர குமார் ஜி. சபாபதி மகோதய, ஆப்னே முஜே வித்த விதேயக் 2024 பரிஷதன் மே சர்ச்சா மே भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधेयक द्वारा आयकर के वर्तमान दर को वर्ष 2024-25 के लिए भी जारी रखने और आयकर दाताओं को 7 लाख तक आमदनी में राहत देने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव आया है। यह स्वागत योग्य कदम है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई के दौर में आम जनता को इससे राहत की आवश्यकता है। वित्त अधिनियम 2023 की धारा 2 और अनुसूची के उपबंध 2 में संशोधन होने से आयकर दाताओं को अगले वित्तीय वर्ष में 7 लाख तक आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा। विधेयक में अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2 का भी संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी के तरफ से भी समर्थन है। सरकार द्वारा देश के आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला यह विधेयक 2024 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा, जो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए यहाँ 1-5 सितारा होटल एवं हवाई अड्डा की स्वीकृति देने का काम करेंगे। नालंदा बौद्ध सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, अतः वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।